हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एवरीबॉडी? आई होप सो एवरीबॉडी फाइन. आई एम सेजल प्रदीप पटेल फ्रॉम थामरा इंग्लिश मीडियम स्कूल. आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में रिवीजन करेंगे. कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश सब्जेक्ट में. ऑलरेडी मैंने आपको ये ऑल टेक्स्ट बुक पढ़ा दी है, लेकिन अब हम रिवीजन करेंगे. उसमें ए और एन आर्टिकल्स पढ़ना है. क्या पढ़ना है? ए और एन. तो ये आर्टिकल्स ऑलरेडी मैंने एक बार आपको समझाया है, लेकिन आज हम आपको दोबारा समझाऊंगी. तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि ए ई आई ओ यू, ये जो फाइव लेटर है उसको वॉवेल्स बोलते हैं, और वॉवेल्स से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे एन आता है. अंडरस्टूड? ये मैंने आपको समझाया था. और ए कब आता है? तो के बाकी के ऑल लेटर जहाँ से वर्ड स्टार्ट होता है वहाँ पे ए आता है. तो वो हमने यहाँ पे किया था, जैसे कि ए कैप, ए अम्ब्रेला. तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो यू, तो यू यहाँ पे है. फिर एन, तो आंट का, तो के ए यहाँ पे है. एन एलिफेंट, तो के ई यहाँ पे है. तो वैसे ये आपका रिवीजन है. तो रिवीजन में आपको क्या करना है, देखिए उसके रिलेटेड दूसरे सेंटेंस आपको लिखना है, वर्ड्स ए और एन से, ए और एन से. तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो जिसके आगे एन आता है तो उसके आगे आपको एन लिखना है. तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स बनानी है और उसके रिलेटेड आपको वर्ड्स लिखना है. जैसे कि यहाँ पे लिखा, तो के आर ए टी रेड, राइट? क्या लिखा? आर ए टी रेड. तो क्या आएगा? तो के ए आएगा. फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा ऑरेंज, तो उसके आगे क्या आएगा? तो ये देखो, ये कौन सा लेटर है? ओ. तो ओ यहाँ पे है, तो के यस. तो क्या आएगा? तो के एन. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये आप जैसे आगे जाओगे तो वैसे ये आपको पढ़ाई में भी काम लगेगा. उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने, तो के टेंट. तो टेंट में क्या है? तो के टी है. तो क्या आएगा? ए. तो उसके बाद है इग्लू. तो इग्लू में क्या है? तो के आई. तो आई लेटर है, तो आई लेटर यहाँ पे है, तो के यस. तो आपको क्या लिखना है? एन. सबसे पहले आपको ए ई आई ओ यू ये लिख ही लेना है, और इससे जो वर्ड स्टार्ट होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है. उसके बाद है एक्स. तो एक्स में क्या है? तो के ई. तो क्या आएगा? एन, है ना? तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स, 20 वर्ड्स लिखने हैं. कितने वर्ड्स लिखने हैं? 20 वर्ड्स. ओके, ये 5 वर्ड्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. फिर बाकी के 20 वर्ड्स आपको लिखना है. तो यहाँ पे स्केल के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर देनी है बीच में, और ये पूरा पेज भर के लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ए और एन का यूज़ करना है ना? तो ये आपको बहुत ही काम लगेगा. जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा आपने सी ए टी कैट, एम ए टी मैट. तो एम आया, तो क्या आएगा? ए आएगा. उसके बाद है ऑक्टोपस, तो क्या है? ओ. तो ओ में क्या आएगा? एन, है ना? उसके बाद लिखा फ्रॉक, तो उसमें क्या आएगा? ए. ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, तो क्या आंट, तो क्या आएगा? एन. बॉक्स, तो क्या आएगा? ई. उसके बाद है एलिफंट, तो क्या आएगा? एन. तो ऐसे आपके 2 लाइन भर के आपको इसके रिलेटेड वर्ड्स लिखना है. ओके ओके बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. बाय.